अस्सलाम वालेकुम अजीज व्यूअर्स, अजीज तालिब इल्मों। मेरे पास अक्सर एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आए, वो कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट मॉड्यूल, रियल मॉड्यूल, पिच डायंगल। या देखिएगा कि मेरे पास कुछ डेटा है, एक गियर का मैंने निकाला था 55.6, उसका ओडी था 30 से 50, ओडी हेलिक्स एंगल था 21 डिग्री 30 मिनट। इसका मैंने कॉस ले लिया, कॉस और टेन की वैल्यू ले ली है, ये ओडी के ऊपर तिरछा तीत है। याद रखिएगा रूट डाय के ऊपर एंगल दूसरा होता है, पिच डाय पर एंगल दूसरा होता है और ओडी के ऊपर एंगल दूसरा होता है, लेकिन लीड एक होती है, ये जहन में रखिएगा। ये मैंने बनाया है पिच डाय पर, ये पिच डाया है और ये एक्सटर्नल एंगल है, ये पिच डाय का एंगल है और यहाँ पिच डाया डिवाइडेड बाई पाई और ओडी डिवाइडेड बाई पाई। तो कैलकुलेशन हमारे में ज़्यादातर हम लोग पिच डाया इस्तेमाल करते हैं, तो आप ओडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप इसको हल करते हैं। अब देखें हमारे पास डेटा ये मौजूद है। अब हमने नंबर वन अप्रोक्सीमेट मॉड्यूल यूज मालूम करना है, एम अप्रोक्सीमेट, ए पी लिख देता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है, ए पी अप्रोक्सीमेट ए पी। ये देखें, ये मैंने पीछे भी बताया था आप लोगों को, ओ डी डिवाइडेड बाई एन कॉस ओ डी एंगल, यानी ये जो ओ डी पर जो तिरछा तीत है ये इसका एंगल का हमने कॉस लेना है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास ओ डी क्या है 55.6, एन हमारे पास क्या है 50, कॉस कितना है 0.9304 प्लस 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 55.6 डिवाइडेड बाई 55.740, ये हमारे पास एम ए ए पी अप्रोक्सीमेट आ गया हमारे पास 0.9974। लेकिन अब आप ये देखें कि ये मॉड्यूल इसमें होता नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट मॉड्यूल है, लेकिन अभी भी आपको वो वैल्यू सही निकली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे अब हम करेंगे पिच डाय का एंगल मालूम करेंगे, लिहाजा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। पिच डाय का एंगल हम मालूम करते हैं कि उसका फार्मूला क्या है, वो भी साथ ही है, लेकिन ये अभी इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट मॉड्यूल ये आया है जिसको आप वन बोल सकते हैं, वन है, आएगा भी वन ही, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट ऐसे आया है। तो अब हम पिच एंगल मालूम करेंगे कि ये चीज़ें होते हैं पिच एंगल के, एंगल के ऊपर जिससे हम लीड भी निकालते हैं, वो कितनी होगी और उसका एंगल कितना होगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब जी नंबर टू, पिच एंगल टेन, टेन मालूम करना है पिच डाया एंगल, जो उसका ये वाला एंगल मालूम करना है, ये वाला पिच डाया एंगल। तो इसका जो फार्मूला है वो है टेन ओडी एंगल, बाकी वही है ओडी माइनस टू मॉड्यूल। मॉड्यूल आपको पता है, आपने जो मालूम करा है उसको ही अभी कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय ओडी। ठीक है, अच्छा जी, इसका टेन क्या है 21 का, ये ले टेन, अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं 0.3939 55.6 माइनस टू मल्टीप्लाई 0.9974। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा 0.3939 55.6 माइनस 1.9948 डिवाइडेड बाई था
ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, अच्छा जी, अब जब मैं इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.3939 55.6 माइनस 1.9948 डिवाइडेड बाई ओडी 55.6, ये हमारे पास आंसर आएगा 21.1150 डिवाइडेड बाई ओडी 55.6। ओडी हमारे पास आ गया, इसका जो 10 आ गया हमारे पास, इसको जब हम हल करेंगे तो 10 आ गया हमारे पास 0.3797 अप्रोक्सीमेट। देखें यहाँ हमने क्या करा, ये थोड़ा सा कम होगा लेकिन हमें हमने एक वैल्यू राउंड ले ली है कि क्या करें, ये थोड़ा सा कम होगा लेकिन हमें हमने एक वैल्यू राउंड ले ली है कि ये आ गया आपके पास तकरीबन 0.3805 यानी 20 डिग्री 50 मिनट। पिच डाई पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 20 डिग्री 50 मिनट। अब हम माडूल मालूम करेंगे। अब जो माडूल आएगा वो हमने कटर इस्तेमाल करना है उस माडूल का, लिहाजा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हमारी कैलकुलेशन ये चलेगी, ठीक है। नंबर 3, अब हमने माडूल मालूम करना है। अब जो माडूल होगा वो कटर आएगा, वो आपने यूज करना होता है। ये बराबर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो पीछे इस्तेमाल कर रहा था हमने, पिछले कॉस पिच एंगल, पिच एंगल सेम वही चीज वही कैलकुलेशन है। चलिए जी अब हम इसको हल करते हैं। हमारे पास है ओडी, एन कितना है 50, पिच कोण एंगल जो 20 डिग्री, अपना 20 डिग्री 50 मिनट का जो कॉस है वो है 0.9346 प्लस 2। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा हमारे पास 55.6 55.4988। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.00 मॉड्यूल। तो ये बात हो गई कि जो ये मॉड्यूल है ये 1 मॉड्यूल से काटा गया गियर है, ठीक है। अब हम नंबर 4, अब हमारे पास जो डेटा हमें मिला वो देखें। अब हमारे पास मॉड्यूल क्या मिल गया, अब जो डेटा हमारे पास बना, मॉड्यूल बराबर है 1, टीथ हमारे पास वही है 50, पिच एंगल हमारे पास वो आ गया 20 डिग्री 50 मिनट। अब हमारी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट मॉड्यूल दोबारा हम अब इससे हल करेंगे, फिर उसके बाद हम इससे ओडी पिच डाया और ओडी मालूम करेंगे। देखें ये नंबर 3 या नंबर 4, अब हम मजीद कैलकुलेट इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारी बेसिक थी, ये अब हम इस पे कैलकुलेशन लेकर चलेंगे। नंबर 4, ये मैं जल्दी यूँ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लाइट का इशू हो रहा है, तो ऐसा ना हो मूवी बीच में रुक जाए। मॉड्यूल ए पी अप्रोक्सीमेट, अब देखिएगा वही चीज़ है। तो क्या है मॉड्यूल रेल, आर ई ए एल, रेल क्या है मॉड्यूल 1 डिवाइडेड बाय कॉस, कौन सा पिच एंगल, पिच एंगल कॉस हमारा क्या है 1 डिवाइडेड बाय इसका जो कॉस की वैल्यू है 0.9346। तो हमारे पास एम ए आ गया मॉड्यूल अप्रोक्सीमेट, आ गया हमारे पास 1.0699। ये हमारे पास रेल मॉड्यूल आ गया। अब पिच डाया, अब इससे निकलेगा पिच डाया, पिच डाया इसका फार्मूला वही है एम ए पी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टीथ।
ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख सकता था लेकिन मैंने आपको ऐसे ही लिख के ये दे दिया, तो मैं इसको ऐसे ही हल करूँगा। 1.0699 मल्टीप्लाई 50, तो हमारा पिच डाया आ गया इसका 53.495 mm। ठीक है, अब नंबर 5 OD। OD हमारा ये आना चाहिए, या इससे थोड़ा सा कम हो या इससे यही है, या इससे थोड़ा सा एक आध पॉइंट का कोई इशू होगा नहीं। OD बराबर है पिच डाया जमा दो मॉड्यूल, कौन सा रेल, आर ये वाला रेल, ठीक है आर ये, तो दो को से हम मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली दो ही आएगा, तो पिच डाया हमारे पास था 53.495 प्लस दो को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 53.495 प्लस 2, तो हमारे पास जो आंसर आया 55.495 अप्रोक्सीमेट 55.5 mm। तो हमारा ये जो ओडी आया हमारा ये 55.5 तक का ओडी होएगा, ज़्यादा ज़्यादा 55.6। ठीक है, ये देखें ये कैलकुलेशन है। अब मैंने समझता कि आपको कुछ इसमें परेशानी होगी, अगर लीड निकालनी हो तो अब आप यही यही जो है इसका पिच डाया आप यही इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जो भी बाकी आगे है वो यही कैलकुलेशन, यही डिग्री इस्तेमाल होगी पिच के लिए, यही होगी। और अगर आप ओडी से भी लीड निकालेंगे तो ओडी के लिए यही लीड इस्तेमाल होगी और वही फार्मूला जो पिच डाया के लिए वही इस्तेमाल होगा, वो हम बाद में जहर बहस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल देखें मैंने आपको बहुत क्लियर समझाया, मैं नहीं समझता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो लिहाजा इसको अच्छे से समझें देखें, और जहाँ ज़रूरत हो मुझसे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही शाहिन निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।